नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। रीट प्रतियोगिता परीक्षा की बात करेंगे अपन। एक पद में लेवल एक में 10 और लेवल दो की बात करें तो 22 अभ्यर्थियों के बीच रहेगा मुकाबला, यानी प्रतियोगिता जो है लेवल फर्स्ट में कम है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात अपन कर रहे हैं। सीधी खबर है नवज्योति की, जोधपुर से। शिक्षा विभाग में ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर काउंट डाउन शुरू हो चुका है और 48,000 पदों पर भर्ती है और 25 से 28 फरवरी तक परीक्षा होगी। इसमें लेवल एक के 21,000 और लेवल दो के 27,000 पद शामिल है। भर्ती के लिए 19 जनवरी तक आवेदन लिए जा रहे हैं। परीक्षा के पात्र रीट पास आउट अभ्यर्थियों के आधार पर एक पद पर लेवल एक में 10 और लेवल दो में औसतन 22 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है, क्योंकि 23 और 24 जुलाई 2022 को परीक्षा हुई थी। रीट 2022 के लेवल एक में 2,03,609 व लेवल दो में 6,03,228 अभ्यर्थी पात्र घोषित किए गए थे। लेवल दो में विभिन्न विषयों के पदों के आधार पर विश्लेषण पर सामने आया है कि अंग्रेजी और संस्कृत में पद ज़्यादा व अभ्यर्थी कम होने से मुकाबला कम रहेगा, जबकि सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी होने से अभ्यर्थियों के सामने चयन की चुनौती रहेगी। सामाजिक विज्ञान में कड़ा मुकाबला, यानी सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा बड़ी खतरनाक है और अंग्रेजी और संस्कृत में अभ्यर्थियों के सामने कम चुनौती है। उसका कारण ये है कि ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती लेवल दो के विषय में प्रतिस्पर्धा से कई अभ्यर्थियों में नौकरी की ज़्यादा उम्मीद है। एक्सपर्ट की माने तो अंग्रेजी विषय में सबसे कम मुकाबला है, क्योंकि इसमें 8,782 पद है और जो अन्य विषयों की तुलना में अधिक है। इसमें एडिशनल डिग्री वालों को भी बाहर कर दिया है, जबकि सामाजिक विषय में सबसे कड़ा मुकाबला है, क्योंकि वाणिज्य संकाय यानी कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, तो अन्य विषयों की तुलना में। इसी तरह रीट पेपर सरल होने से अन्य विषयों की तुलना में गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी अधिक पास हुए हैं। गणित विज्ञान के 7,435 पदों पर भर्ती होनी है। संस्कृत विषय में 1,808 पद और अभ्यर्थियों की संख्या कम होने से औसत मेरिट रहने की उम्मीद है, यानी मेरिट कम रह सकती है किसकी, अंग्रेजी की और संस्कृत की, क्योंकि पद ज़्यादा है और अभ्यर्थी इसमें कम है। 48,000 पदों पर रीट अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं और 25 से 28 फरवरी तक हम देख ही चुके हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में एक पद पर लेवल एक में 10 अभ्यर्थी और लेवल दो में 22 अभ्यर्थी के बीच रहेगा मुकाबला, यानी लेवल वन में पद अधिक है और कैंडिडेट भी कम है। अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा पद है और अभ्यर्थी कम है, तो सबसे कम जो प्रतिस्पर्धा है वो अंग्रेजी विषय की रहेगी। एक्सपर्ट की माने तो सामाजिक विज्ञान में सबसे कड़ा मुकाबला और अंग्रेजी संस्कृत अभ्यर्थियों के सामने कम चुनौती है। बिना गड़बड़ी परीक्षा कराना चुनौती, परीक्षा केंद्र से बाहर हो सकते हैं कई जिले। रीट की एग्जाम 25 से 28 फरवरी 2023 को होने वाली है, तो परीक्षा कुछ ही जिलों में करवाई जाएगी, सभी जिलों में नहीं करवाई जाएगी, जिसके कारण पेपर करवाना बहुत ही कठिन कार्य हो गया, क्योंकि पेपर आउट ना हो। रीट परीक्षा करवाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि पेपर आउट ना हो, क्योंकि पिछली रीट भर्ती का पेपर आउट हो चुका है, सेकंड ग्रेड का भी हो चुका है, इस तरह से दोबारा रीट का पेपर आउट ना हो, तो इसलिए कुछ जिलों में ही करवाई जाएगी रीट की परीक्षा। तो इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।